गुड मॉर्निंग क्लास नर्सरी। चलिए सभी बच्चे देखिए, हम एनुअल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, ठीक है। पार्ट 34 से हमारा क्या होने जा रहा है, एनुअल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। पार्ट 33 तक हमारा क्या हुआ था, PA2 कोर्स कंप्लीट हो चुका था पार्ट 33 में, ठीक है। पार्ट 34 में क्या हो रहा है, हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। तो देखिए मैथ में सबसे पहले आज हम सिलेबस समझ लेते हैं। मैथ के सिलेबस में देखिए ओरल में, ठीक है, ओरल में देखिए लर्न काउंटिंग 41 to 50, लर्न नंबर नेम 13 to 15, ठीक है। रिटन में देख लेते हैं, राइट काउंटिंग 41 to 50, काउंट द पिक्चर्स, ठीक है, पेज नंबर 76 to 85, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओरल में देख लेते हैं, ठीक है, लर्न काउंटिंग 41 to 50। रिटन में है आपका राइट काउंटिंग 41 to 50। तो सभी बच्चे सबसे पहले आप अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए, ठीक है, आप अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपकी कॉपी है मैथ की, यहाँ क्या हुआ था, देखिए पार्ट 33 में हमारा क्या हुआ था, पार्ट 33 में हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। पार्ट 33 में हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, PA2 कोर्स हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है पार्ट 34 से। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट, ठीक है, पार्ट शो करेंगे 34, या डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। यहां आप लिखेंगे राइट एंड लर्न, ठीक है, काउंटिंग 41 to 42, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हम लिखते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे 41, ठीक है, 41, इस तरीके से हम लिखते भी जाएंगे और याद भी करते जाएंगे, ठीक है। 42, ठीक है। सभी बच्चे इसी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको दिया है राइट एंड लर्न काउंटिंग, यानी कि आपको मैंने टू वर्ड्स दिए हैं, यानी कि 41 to 42, ठीक है। यानी कितने वर्ड दिए हैं मैंने, दो दिए हैं, 41 42, ठीक है। ये आपको याद भी करने हैं, आपको मैंने याद करने के लिए भी दिए हैं आपको, और आपको लिखने के लिए भी दिए हैं मैंने। ये आपको इसी तरीके से लिखना भी है, आपको याद करके यानी कि पढ़ पढ़ कर आपको लिखना भी है, आपको इसको और अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। आपका कॉपी का वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब आप अपनी मैथ प्रैक्टिस बुक निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपकी मैथ प्रैक्टिस बुक है आपकी, ठीक है, 1 to 50। सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया है पार्ट 32, ठीक है,
यहाँ क्या हुआ था, हमारा पी ए टू कोर्स कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। यहाँ हमारा पी ए टू कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 40 यानी कि 31 to 40 तक हमने आपको पी ए टू में लिखवाया था, ठीक है। तो ये 31 to 40 तक हमने आपको राइटिंग बुक पर भी लिखवाया था, ठीक है। तो देखिए हमारा यह 31 to 40 तक यहाँ हमारा क्या हुआ था, पी ए टू कोर्स कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पार्ट 33, 34 से, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट, ठीक है। एनुअल कोर्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट, पार्ट शो करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। पार्ट आप यहाँ शो करेंगे, पार्ट 34 से क्या हो रहा है, हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पार्ट 34 से एनुअल कोर्स, तो पार्ट 34 में हम आपको कौन कौन से वर्ड कराएंगे, जैसे मैंने आपको कॉपी पर अभी बताया था 41 and 42, ठीक है, 41 and 42 पार्ट 34 में हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो देखिए 41 ये नंबर कौन सा है आपका, 4, और ये नंबर 1, तो क्या हो गया 41, कौन से कितना नंबर बन गया 41, ठीक है। तो देखिए यहाँ पेंसिल हैं, हम पेंसिल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, कितने नंबर हैं ये 41, तो पेंसिल्स कितनी है अभी हमने काउंट करी थी 41, ठीक है। सभी बच्चे देखिए इसकी स्पेलिंग FORTY 41, ठीक है। आप स्पेलिंग से भी याद करेंगे और आप नंबर से भी याद करेंगे, ठीक है, 41। तो चलिए सभी बच्चे अब हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे नंबर पर, 41 नंबर पर, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेस करेंगे 41, पढ़ पढ़ कर हम इस तरीके से हाथ फेरेंगे 41 इस तरीके से। सभी बच्चे इतने भी मैंने ये यहाँ नंबर दिए गए हैं आपके, ठीक है, आप इन सब पर क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, इसी तरीके से आप ट्रेस करेंगे। नीचे देखिए यहाँ है, नीचे पॉइंट्स लगे हुए हैं, नीचे देखिए बॉक्सेस खाली हैं लेकिन बॉक्सेस में पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर क्या करेंगे, आप इस तरीके से यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से करेंगे 41, इस तरीके से करेंगे 41, ठीक है। सभी बच्चे इसी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, अच्छे से वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 41, ठीक है। पेज नंबर 76, पेज नंबर आपका कौन सा है, 76। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, हमने पेज नंबर 76 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सभी बच्चे इस तरीके से यहाँ आप खुद करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 76 कंप्लीट हो चुका है हमारा पार्ट 34 में। अब हम पार्ट 34 में 42 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले पार्ट शो करेंगे 34, ठीक है। यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। पेंसिल अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, कितनी पेंसिल्स हमने काउंट करी, 42, ठीक है। अब हम
यहाँ हाथ फेरेंगे 42 नंबर्स पर, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरीके से हाथ फेरेंगे 42, पढ़ पढ़ कर हम हाथ फेरेंगे 42। इसी तरीके से सभी बच्चे अपना हाथ फेरेंगे। यहाँ नीचे देखिए बॉक्सेस यहाँ खाली हैं, लेकिन इन बॉक्सेस में यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो इसी तरीके से इन पॉइंट्स के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ हम सबसे पहले यहाँ इस तरीके से बनाएंगे 42, ठीक है, 42। इसी तरीके से सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, इसी तरीके से आप भी यहाँ नीचे बनाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। आप पेज नंबर 77, पेज नंबर 76 एंड 77 हमने पार्ट 34 में कंप्लीट किया है, ठीक है। सभी बच्चे इस तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, वीडियो अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।